अभी तक हम लोग नॉन कंडक्टर के बारे में देखे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग वायर की वजह से क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर्स। कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टर की वजह से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंडक्टर हमको जानना है, ठीक है। तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर कोई कंडक्टर होता है और जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा होता है तो क्या होता है, बता चुके हैं, पहले भी याद करिए, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता था तो कंडक्टर के अंदर क्या हो जाते थे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते थे, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट माइनस चार्ज और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता था, प्लस चार्ज। ये माइनस और प्लस मिलके खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेते थे ई डैश, और अंत में ई डैश क्या होता था, ई नॉट को कैंसिल कर देता था और कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। ये सारी बातें हम लोग खूब डिटेल में किए हुए हैं, मतलब कि देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बॉडी ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और कितना होता है, जितना कि सरफेस पे होता है। ये सब लोग पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा इसको आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक कंडक्टर लेते हैं, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि सॉलिड एक कोई कंडक्टर है। ऐसा करते हैं कि कंडक्टर के अंदर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेते हैं, दिस इज गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस टेकन इनसाइड कंडक्टर। ये एक गॉसियन सरफेस लिए, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, दिस इज गॉसियन सरफेस टेकन इनसाइड कंडक्टर, ठीक। अच्छा, जब ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेंगे तो किसके अंदर, ये कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताए थे, जीरो बताए थे। कंडक्टर का हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो है, जब इस गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रल ई डॉट डीएस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई गॉसियन सरफेस इमेजिनरी कंडक्टर के अंदर ले लेते हैं तो इस पे गॉस लॉ लगाते हैं तो इंटीग्रल ई डॉट डीएस का वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। जब इंटीग्रल ई डॉट डीएस का वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या आ गया, जीरो आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो हम लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि देयर कैन नॉट बी एनी नेट चार्ज, देयर कैन नॉट बी एनी नेट चार्ज इनसाइड बॉडी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं हो सकता। किस कंडीशन में, इन इलेक्ट्रो स्टैटिक्स कंडीशन, ठीक। देयर कैन नॉट बी एनी नेट चार्ज इनसाइड बॉडी ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, मतलब मेटल के अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं हो सकता। ये कहां से पता चला, गॉस लॉ से। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, हम क्या करना चाहते हैं, कंडक्टर को एक चार्ज इंजेक्ट कर देना चाहते हैं, चार्ज यहां से इंजेक्ट कर दीजिए ना, चार्ज को इंजेक्ट कर दीजिए। अगर चार्ज को इंजेक्ट कर दीजिए, किसी चार्ज को ना, कंडक्टर को इंजेक्शन लगा दीजिए चार्ज का ना, ड्रिल करके इंजेक्ट चार्ज को जबरदस्ती अंदर घुसा दीजिए। तो जब ये ड्रिल को बाहर निकालेंगे, इंजेक्शन को बाहर निकालेंगे, तो जब चार्ज को आप इंजेक्ट करेंगे जबरदस्ती अंदर, तो क्या होगा, चार्ज तो रह नहीं सकता, कि सारा का सारा चार्ज कहां चला आएगा। तो एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर, एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर कम्स ऑन द आउटर सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अगर आप जबरदस्ती चार्ज को इंजेक्ट कर देंगे तो वो चार्ज कहां दिखाई देगा, आउटर सरफेस पे, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी नेट चार्ज इनसाइड बॉडी ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है। तो कोई चार्ज अगर कंडक्टर के अंदर जबरदस्ती धकेल देंगे, तो जब इसको बाहर निकालेंगे इंजेक्शन को, एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर कम्स ऑन दी आउटर सरफेस, जो चार्ज देंगे वो चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर ये एक शेप का होगा तो ये चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर ये अनइवन शेप का होगा तो चार्ज क्या होगा,
नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, सारी बातों को आराम से आप नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला पॉइंट, ये तो बात हो गया कंडक्टर का। अगर अगर कोई कहे कि एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर मेटल है, इसके अंदर एक केविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, केविटी इनसाइड कंडक्टर, आप लिखिएगा केविटी इनसाइड कंडक्टर, किसी एक कंडक्टर के अंदर केविटी बना दे। केविटी का मतलब होता है खोखला, दांत में केविटी हो जाता है ना, दांत में केविटी, दांत कीड़ा खा जाता है, खोखला हो जाता है, उसी समझ तरह समझिए कि कंडक्टर था, मेटल था, इसको कीड़ा खा गया, रस्टिंग लग गया, इतना पार्ट क्या हो गया, गायब हो गया, बचा क्या, बीच में खोखला हिस्सा बचा, खोखला केविटी का मतलब खोखला हिस्सा। ठीक है, अच्छा ये केविटी है, केविटी के अंदर कोई चार्ज, क्या कि धागे से पतला सा होल करके एक चार्ज भी यहां लटका दिए, पतला सा धागे से एक चार्ज क्यू नॉट यहां केविटी के अंदर लटका दिए। ठीक है, तो कहते हैं चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड इनसाइड केविटी, किसी चार्ज को केविटी के अंदर रख दिए, प्लेस्ड इनसाइड केविटी, तो क्या होगा, जरा इस बात को समझते हैं लोग डिटेल में। तो चार्ज क्यू नॉट को केविटी के अंदर रख देंगे, तो केविटी का अंदर हवा एयर है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है ना, यहाँ पे एक वैक्यूम है, इसका मतलब है कि जैसे कोई पूछे पॉइंट ए पे क्या होगा, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉइंट ए मेटल में थोड़ी है, वो तो एयर में है ना, वैक्यूम में है, वहां तो मेटल है, तो इसका मतलब है पॉइंट ए पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना जरूरी नहीं है। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होगा, किसकी वजह से, चार्ज क्यू नॉट की वजह से होगा। लेकिन लेकिन अगर हम एक केविटी घेरता हुआ फिर से अगर जल्दी गॉसियन सरफेस लें, ध्यान से लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर केविटी को घेरता हुआ, इस केविटी को घेरता हुआ एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस अगर हम लोग लें, तो ये जो इमेजनरी गॉसियन सरफेस आएगा वो किसमें आएगा, केविटी को घेरता हुआ। तो जब ये केविटी को घेरेगा तो गॉसियन सरफेस किसके अंदर पड़ेगा, ये मेटल के अंदर पड़ेगा, कंडक्टर के अंदर पड़ेगा, और कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब है कि ये जो केविटी हम लोग केविटी को घेर के गॉसियन सरफेस बनाया, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, जीरो आया। इसका मतलब इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी एस देखिए जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि नेट चार्ज क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब गॉसियन सरफेस जो आपको दिख रहा है, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन आप क्या किए, आप तो एक चार्ज को लटका दिए हैं अंदर, इसका मतलब कि जीरो करने के लिए क्या होगा, कैसे जीरो होगा, तो देखिए जीरो ऐसे होगा, क्योंकि गॉस लॉ वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस केविटी के अंदर, इस केविटी के अंदर अगर चार्ज क्यू नॉट है, इस केविटी के अंदर अगर चार्ज क्यू नॉट है और इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी टोटल चार्ज जीरो है, तो इस चार्ज क्यू नॉट को कैंसिल करने के लिए, इस चार्ज क्यू नॉट को कैंसिल करने के लिए यहां पे माइनस क्यू नॉट चार्ज इंड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल चार्ज को क्या करना है, जीरो करना है। इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लस क्यू नॉट को कैंसिल करने के लिए यहां पे क्या हो जाता है, माइनस क्यू नॉट इंड्यूसेस, दैट मींस माइनस क्यू नॉट इंड्यूसेस एट इनर क्या आउटर सरफेस, इनर अंदर है, केविटी का दो सरफेस, अंदर एक बाहर ना, इंटीरियर मतलब यही समझिए, एट इनर सरफेस ऑफ केवीटी। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लस क्यू नॉट को कैंसिल करने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक चार्ज माइनस क्यू नॉट इंड्यूस हो जाएगा, ये इंड्यूस चार्ज हो गया, कितना हो गया, माइनस क्यू नॉट। अब सुनिए दूसरी बात, आपको पता है कि ये जो कंडक्टर था वो तो न्यूट्रल कंडक्टर था, कंडक्टर पे टोटल चार्ज क्या था, जीरो था, ये माइनस क्यू नॉट आया कहां से होगा, ये माइनस क्यू नॉट इसी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ गए होंगे, इसका मतलब अगर यहाँ माइनस क्यू नॉट इलेक्ट्रॉन अगर इधर आए तो इस साइड क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस,
तो कंडक्टर जो होगा, अगर यहाँ माइनस वन तो कंडक्टर का इधर से इलेक्ट्रॉन आया, जिधर से इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां क्या हो जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब ये प्लस चार्ज हो जाएगा और हमें पता है देयर कैन नॉट बी एनी नेट चार्ज इनसाइड बॉडी ऑफ कंडक्टर, तो जो प्लस चार्ज होगा वो सरफेस पे दिखाई देगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं रह सकता, और कोई नेट चार्ज देते भी हैं तो कहां चला आता है, अभी बताए थे कहां पे, आउटर सरफेस पे। तो सो चार्ज माइनस क्यू नॉट इंड्यूसेस, चार्ज माइनस क्यू नॉट इंड्यूसेस एट इनर सरफेस ऑफ कैविटी एंड प्लस क्यू नॉट इंड्यूसेस एंड प्लस क्यू नॉट इंड्यूसेस एट आउटर सरफेस ऑफ क्या कंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अगर यहां माइनस क्यू नॉट होगा तो बाहर क्या हो जाएगा प्लस क्यू नॉट इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। एक चार्ज जब यहाँ पे माइनस क्यू नॉट यहाँ प्लस क्यू नॉट रखा देंगे तो केविटी के अंदर माइनस क्यू नॉट, केविटी के अंदर माइनस क्यू नॉट, तो केविटी के बाहर क्या आ जाता है प्लस क्यू नॉट। सब कुछ कहां से गवर्न हो रहा है, गॉस लॉ से और चार्ज कंजर्वेशन से, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात सुनिए, और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कंडक्टर के अंदर कोई केविटी बनाते हैं, ठीक है, ये केविटी क्या करता है कंडक्टर को बाहरी दुनिया से अलग करता है। कहते हैं अगर केविटी के अंदर कोई चार्ज से फॉर एग्जांपल क्यू वन है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस क्यू वन, और इसके आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा प्लस क्यू वन। और जो चार्ज आउटर सरफेस पे होगा वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज ऑन आउटर सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स मिनिमम, ठीक है। तो अगर ये स्फीयर कंप्लीट एक स्फेरिकल शेप होगा तो ये यूनिफॉर्म चार्ज होगा, अदरवाइज क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब सुनिए बात, हम कहते हैं अगर यहाँ पे एक चार्ज Q2 है तो इसको हम लोग कहते हैं चार्ज फर्स्ट है, ये जो केविटी के अंदर चार्ज आया इसको चलिए हम लोग चार्ज सेकेंड बोलते हैं, और आउटर सर्फेस पे आया चार्ज ये थर्ड है, और ये जो बाहर है ये चार्ज फोर्थ है। चलिए तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो रीजन वन है केविटी के अंदर का हिस्सा और ये रीजन टू है कंडक्टर के बाहर का हिस्सा, ये दोनों रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिकली आइसोलेटेड होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब होता है सुरक्षा, बचे रहना, बिल्कुल शील्डेड है। तो कहते हैं कि रीजन वन एंड टू, रीजन वन एंड टू आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो केविटी के अंदर का हिस्सा है और कंडक्टर के बाहर का हिस्सा है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं, मतलब ये चार्ज Q2 Q1 पे फोर्स नहीं लगा सकता, चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स नहीं लगा सकता। चार्ज Q1 को आप अंदर इधर उधर करेंगे तो सेकेंड रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज Q2 को आप इधर उधर करेंगे ना, चार्ज Q2 के चार्ज ये जो आउटर सरफेस है ये वाला जो ये आउटर सरफेस थ्री पे आउटर सरफेस का चार्ज भी तो आउटसाइड ही हुआ कंडक्टर के बाहर ही हुआ, तो सरफेस से लेके बाहर का हिस्सा और कंडक्टर के अंदर सॉरी केविटी के अंदर का हिस्सा एक दूसरे से बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिकली आइसोलेटेड होते हैं। यहां का चार्ज यहां कुछ नहीं कर सकता, यहां का चार्ज यहां कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि अगर क्यू टू को आप इसके पास लाएंगे कंडक्टर की तरफ तो रीजन वन के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से क्यू वन को आप अंदर इधर उधर करेंगे तो कहेंगे इफ क्यू वन इज शिफ्टेड, इफ क्यू वन इज शिफ्टेड इनसाइड केविटी देन देयर इज नो चेंज
इन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर मतलब Q1 Q2 पे फोर्स नहीं लगा सकता, Q2 Q1 पे फोर्स नहीं लगा सकता, डायरेक्टली दोनों एक दूसरे फोर्स नहीं लगाते हैं। तो कहेंगे Q2 फोर्स लगाएगा कौन, Q2 पे देखिए ये वाला फोर्स लगाएगा कौन, बाहर का सरफेस, भले वो Q1 की वजह से प्रोड्यूस हुआ है लेकिन वो Q1 नहीं है। समझ में आया, इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर कोई पूछे व्हाट इज फोर्स ऑन Q2, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पे होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग कहें E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर मतलब 1 की वजह से 2 की वजह से और प्लस E3 वेक्टर 3 की वजह से, तो ये जो है ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि अंदर का चार्ज बाहर फील्ड नहीं दे सकता, ये हम बता रहे थे, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसी तरीके से पॉइंट वन पे कोई पूछे कि इस पॉइंट फील्ड क्या होगा, तो ना इसकी वजह से होगा ना इसकी वजह से, केवल किसकी वजह से होगा, केवल इसकी वजह से, इवन इसकी वजह से भी नहीं होगा, गॉस लॉ से ना कैविटी के अंदर, ठीक है। सीधे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, इसको आराम से करके भी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, एक हम लोग थिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल लेते हैं, अंदर का रेडियस ए है, बाहर का रेडियस बी है, ठीक है, थिक कंडक्टिंग सेल है स्फेरिकल, और इसके सेंटर पे एक चार्ज हम लोग क्यू नॉट रख देते हैं ना, यहाँ पे एक चार्ज क्यू नॉट रख देते हैं, तो और इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक, कंडक्टिंग सेल है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू एंड चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस एट सेंटर, ठीक है, ठीक, चार्ज कैपिटल क्यू है किस पे, इस पे, और चार्ज क्यू नॉट को लोग सेंटर पर देते हैं, जब चार्ज क्यू नॉट को सेंटर पर रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर ही अंदर अभी बताए थे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट, और तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू, और पहले से कंडक्टर पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू, तो बाहर क्या हो जाएगा, पहले से ही कैपिटल क्यू है और क्यू नॉट और इंड्यूस होके बाहर क्या आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब कहते हैं कि अगर इस सेंटर के चार्ज को आप जरा इधर उधर करिए, जब सेंटर के चार्ज को आप डिस्प्लेस करेंगे, इफ चार्ज क्यू नॉट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर, तो अगर चार्ज क्यू नॉट को सेंटर से डिस्प्लेस करते हैं, तो अगर कहते हैं कि चलिए दो दो चार्ज है, एक चार्ज ये वाला फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है, तो कौन सा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होता है, तो हम लोग कहते हैं कि चार्ज ऑन सरफेस वन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस वन चेंजेज, बट देयर इज नो चेंज इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो चेंज इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट आउटर सरफेस टू। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिए, जैसे कोई कहे कि चार्ज Q0 को, इस चार्ज Q0 को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके जरा कैविटी के सरफेस के करीब लाइए, जैसे यहां पर ला दिए, तो जब चार्ज को यहां सेंटर से डिस्प्लेस करके सरफेस के पास लाएंगे, तो क्या होगा कि जो माइनस चार्ज है इधर क्या हो जाएगा, इधर ज्यादा अट्रैक्ट होकर डेंस हो जाएंगे, और इधर चार्ज क्या हो जाएगा, इधर चार्ज थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, लेकिन आउटर सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एज इट इज रहेगा जैसा पहले था, क्यों बताइए, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे था, ऐसे पॉजिटिव से निकलता है, अंदर फील्ड है नहीं, और सीधे लाइन कहां दिखाई देगा, सीधे लाइन बाहर दिखाई देगा, अभी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी यहां पे जब चार्ज ला देंगे क्या होगा, अब लाइन जो सेंटर वाला था वो तो स्ट्रेट होता क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, तो रेडियस तो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन अगर चार्ज इधर ला देंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला दो तो स्ट्रेट होगा, बाकी सब लाइन क्या होता है, बाकी सब लाइन ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन जो आउटर सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लाइन बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, सारे लाइन एकदम लगेंगे कि सेंटर से ही निकल के आ रहे हैं जैसे पहले था, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है,
कि जब चार्ज क्यू नॉट को आप सेंटर से डिस्प्लेस कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अंदर का फील्ड लाइन डिस्टर्ब हो जाता है लेकिन बाहर की फील्ड लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, नोट कर लीजिए। थिन थिक कंडक्टिंग की बात है कि थिन कंडक्टिंग का देख लेते हैं। अगर थिन शीट है, थिन कंडक्टिंग थिन कंडक्टिंग सेल है तो वो मोटा था। ठीक है, थिक में क्या था, थिक में था कि यहाँ पे Q नॉट आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस Q नॉट, बाहर के पे क्या हो जाएगा प्लस Q नॉट, क्योंकि इतने पार्ट में मेटल है, गॉसियन सरफेस आ जाता है तो चार्ज जीरो करने के लिए इंड्यूस होना ही पड़ेगा। अब कहते हैं कोई थिन सेल है और यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q नॉट है तो क्या इनर सरफेस माइनस Q नॉट आएगा, बताइए। बिल्कुल आएगा, कैसे पता, क्योंकि कितना भी पतला कितना भी थिन हो, एटम से पतला तो हो नहीं सकता, तो कितना भी पतला होगा अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, कितना ही पतला होगा कुछ तो थिकनेस होगा ही होगा, और जब ये यहाँ कुछ भी थिकनेस होगा, थोड़ा सा भी मोटाई होगा, एक माइक्रोन के बराबर मोटाई होगा, तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो एक थिक सेल जैसा बिहेव करेगा। जैसे कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस मोटे के अंदर आ गया था तो यहाँ क्या होगा, हम लोग कहेंगे इसी थिकनेस के अंदर क्या आ जाएगा, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, क्योंकि इमेजिनरी तो लेना है, कोई असली में तो बैठाना है नहीं, हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, दिस इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस जाके अपने आप बैठ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए चार्ज इनक्लोज क्या करना पड़ेगा, जीरो करना ही पड़ेगा। तो थिन सेल बिहेव एज थिक सेल। ठीक है, तो यहाँ प्लस क्यू नॉट, तो अपने आप यहाँ क्या आ जाएगा माइनस क्यू नॉट, और यहाँ माइनस क्यू नॉट बाहर क्या आ जाएगा प्लस क्यू नॉट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये है, ये आर आर रेडियस है, ये टू आर रेडियस है और ये थ्री आर रेडियस है, आर टू आर थ्री आर। ठीक, तो ये कह रहा है कि इस पे क्यू वन चार्ज है, इस पे क्यू टू चार्ज, इस पे क्यू थ्री चार्ज है, तो कह रहे हैं कि फाइंड रेशियो ऑफ क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री इफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ आउटर सरफेस ऑफ ईच स्फेयर इज सेम। क्वेश्चन क्या है, देर आर थ्री कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर, देर आर थ्री कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फेयर्स विथ चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। तो पूछ रहे हैं फाइंड Q1, Q2, Q3, सो दैट इफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ आउटर सरफेस ऑफ ईच स्फेयर इज सेम, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो IIT 2009 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे सॉल्व देखिए, तो क्वेश्चन दिया आउटर सरफेस, ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, कपड़ा डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे Q1 चार्ज है, तो जो Q1 चार्ज होगा कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे ही होगा, अंदर वाला किसके, और यहाँ Q1 है तो गॉस लॉ क्या करता है कि अगर यहाँ Q1 तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q1, वही कैविटी वाला कंसेप्ट, क्योंकि जब गॉसियन सरफेस के अंदर लेंगे तो टोटल यहाँ प्लस Q1 तो यहाँ माइनस Q1, और इस पर टोटल है चार्ज कितना Q2, तो इसके आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज तो Q2 ही था, तो आउटर सरफेस पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2, क्यों Q1 प्लस Q2, क्योंकि टोटल चार्ज तो Q2 था, तो Q2 तो चार्ज रहेगा ही रहेगा, और जब यहाँ Q1 प्लस Q2 तो फिर देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, इसके इनर सरफेस पे तो यहाँ आ जाएगा माइनस Q1 प्लस Q2, क्योंकि इसके टोटल गॉसियन सरफेस का घेरा जब मीटर के अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, तो यहाँ Q1 माइनस Q1 खत्म कर गया, तो Q1 प्लस Q2 कौन खत्म करेगा, माइनस Q1 प्लस Q2,
और टोटल इसके बाहर कितना टोटल चार्ज था कितना Q3, इसका मतलब आउटर सर्फेस में यहाँ क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है IIT JEE का, 2009 JEE का है, समझ में आया। तो क्वेश्चन हम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कर लिए, तो अब देखिए दिया क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस। तो इसका देखिए आउटर सरफेस, इसका रेडियस r है, इसका डेंसिटी क्या होगा Q1/4πr² 4πr² सरफेस एरिया होता है, चार पॉइंट एरिया को ही सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अच्छा इसके आउटर सरफेस कितना चार्ज है Q1+Q2, तो Q1+Q2 चार्ज हो गया और एरिया क्या होगा 4πr² है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 2r है, तो 4π2r का होल स्क्वायर। और इसका आउटर सरफेस कितना है Q1+Q2+Q3 तीसरे वाले का, तो Q1+Q2+Q3 डिवाइड बाई कितना टोटल एरिया 4π, रेडियस कितना है 3r का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा Q1+Q2/4 Q1+Q2+Q3/9 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 4Q1 कितना आ गया, सॉल्व करते हैं साइड में, चलिए इसको K कह देते हैं, इसको K कह देते हैं, तो 4Q1 का वैल्यू जो हुआ वो K के इक्वल टू हुआ Q1 इक्वल टू तो 4Q1 K हो गया, नहीं Q1 4K हो गया, Q1 हो गया 4K, Q1+Q2 हो गया, नहीं Q1K हो गया, Q1+Q2 हो गया 4K और Q1+Q2+Q3 हो गया कितना 9K, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो सॉल्व करने पे Q2 कितना आया, Q2 3K आया और Q3 कितना आया 5K आया। इसका मतलब Q1, Q2, Q3 का जो रेशियो आया, Q1, Q2, Q3 का जो रेशियो आया वो क्या आया, वो आया 1, 3 और 5, 1, 3, 5, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर चाहे होल हो चाहे सॉलिड हो, तो चार्ज होता है कहाँ होता है, आउटर सरफेस पे ही होता है, ठीक है। तो अगर टोटल चार्ज क्यों है, वेदर जी सॉलिड और होलो, जो चार्ज लाई करता है कहाँ लाई करता है, आउटर सरफेस पे ही लाई करता है। तो चाहे होलो कंडक्टर हो चाहे सॉलिड कंडक्टर हो, चार्ज लाई जाए आउटर सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर तो जीरो ही होता है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर गॉसियन सरफेस लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड। और बाहर के पॉइंट पी के लिए, किसी पॉइंट पी पे लेंगे तो गॉसियन सरफेस लेंगे तो स्फेरिकल ही लेंगे, क्या मिलेगा E(4πr² टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन जीरो। हम लोग करते हैं हर जगह यही आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आउटसाइड सेम एज ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंटर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर की वजह से अंदर के पॉइंट पे जीरो होता है और बाहर के पॉइंट्स पे निकालने के लिए पूरे के पूरे स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज मान के कहां बिठा देना है, सेंटर पे बिठा देना है। इसका जो ग्राफिकल वेरिएशन आता है, ग्राफिकल वेरिएशन कुछ इस प्रकार से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। अंदर कोई फील्ड नहीं होता, अंदर फील्ड होता है जीरो और बाहर फील्ड सरफेस से शुरू होता है, 1/r² से वेरी करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस होगा Q/4πε₀R², ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पोटेंशियल देखते हैं, तो पोटेंशियल के लिए वही लॉजिक देंगे कि बाहर की वजह से, बाहर के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या आता है Q/4πε₀ स्मॉल स्क्वायर सेम एज पॉइंट चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट सेंटर। क्या लिखते हैं, सेम एज पॉइंट चार्ज कैपिटल Q,
कहां पर रखा हुआ, प्लेस्ड एट सेंटर, तो बाहर के पॉइंट उतना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जैसे पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू कहां रखा होता है, सेंटर पे रखा होता है, तो पोटेंशियल के लिए भी सीधे लिखेंगे क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर सेम एज पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट दी सेंटर, जो हम लोग पहले से लॉजिक देते आए हैं, क्योंकि वन कूलम चार्ज की इन्फिनिटी से यहाँ पे लाके रखने में वही वर्क करना पड़ेगा, यहाँ भी जो पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू सेंटर पर रखा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आता है जैसे कि पूरा का पूरा स्फीयर कंसंट्रेटेड कहाँ पे हो, सेंटर पे हो, ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइन का भी हमें कॉन्सेप्ट यही बताता है कि जो लाइन लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कहां से निकल के आ रहा हो, सेंटर, तो सारे के सारे लाइन कहां पे टर्मिनेट कर रहे हैं, सेंटर पे, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा स्फीयर एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है। सरफेस पे क्या होगा पोटेंशियल, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस ये कहां के लिए बात कर रहे थे, अभी आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए ना, बाहर के लिए, आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड के लिए कहां से कहां वेरी करता है, कैपिटल आर से इंफिनिटी तक, तो सरफेस का हो गया। और सेकेंड केस अगर हम लोग इनसाइड की बात करें, इनसाइड पोटेंशियल, तो हम जानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा और उतना होगा जितना कि सरफेस का होता है। सेंटर से लेके सरफेस तक सबका पोटेंशियल होगा सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसलिए पोटेंशियल क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि जिस रीजन में फील्ड नहीं होता वहां पोटेंशियल चेंज नहीं करता, तो सेंटर से सरफेस सबका पोटेंशियल सेम, और किसके बराबर, सरफेस, और सरफेस का पोटेंशियल है कितना, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर। इसका मतलब अगर हमें एक लाइन में कहना हो पोटेंशियल को, तो हम लोग पोटेंशियल को कहेंगे वी इक्वल्स टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड एंड क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड, ठीक है। इसका जो ग्राफिकल वेरिएशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अंदर जो होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, अंदर जो होगा वो पोटेंशियल होगा कांस्टेंट, देखिए ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट सैकड़ों बार आया हुआ है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, बाहर कैसे वेरी करेगा, वन बाई आर से, क्योंकि बाहर तो वन बाई आर है, और अंदर कितना होगा, अंदर उतना ही होगा जितना कि सरफेस का होगा, और ये कितना पोटेंशियल होता है, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर, ये सरफेस का पोटेंशियल होता है, ये सरफेस का पोटेंशियल होता है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर, तो ये हम लोग कहेंगे दिस इज क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर, कहां से कहां, सेंटर से सरफेस सबका पोटेंशियल सबका सेम होता है, बाहर कैसे वेरी करता है, बाहर वन बाई आर से वेरी करता है, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से नोट कर लीजिए। कुछ स्फेरिकल हम लोग कंसेंट्रिक सेल की वजह से देते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक सेल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स देख लिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि चलिए दो का लेते हैं, एक Q1 चार्ज R1 रेडियस का स्फीयर है और एक Q2 चार्ज है R2 रेडियस का, और दोनों कंसेंट्रिक है, दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर है, ठीक। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर हम लोग जाएंगे, चलिए हम लोग कहते हैं कि ये Q1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q1 बाहर क्या होगा, Q1 प्लस Q2, लेकिन इतने पतले हैं कि यहाँ अंदर का चार्ज बाहर का चार्ज लगभग लगभग दूरी क्या है, सेम, ठीक है। तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पोटेंशियल, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चलिए बात करते हैं हम लोग ना, पूछें कि अगर एक पॉइंट हम लोग ए लेते हैं ना, चलिए पॉइंट वन लेते हैं सेंटर से आर वन दूरी पे, एक पॉइंट टू लेते हैं सेंटर से आर टू दूरी पे, और एक पॉइंट थ्री है सेंटर से आर थ्री दूरी पे। तो पहले पॉइंट वन की बात करते हैं, पॉइंट वन, पॉइंट वन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि पॉइंट वन पे ना ये फील्ड देगा ना ये फील्ड देगा, अंदर की फील्ड क्या होता है, पॉइंट वन की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन पे स्फीयर फर्स्ट स्फीयर ए की वजह से भी होगा, स्फीयर बी की वजह से भी होगा, और पॉइंट वन पे ए और बी दोनों कितना फील्ड देंगे, कुछ नहीं देंगे, जीरो जीरो, क्योंकि अंदर कोई फील्ड होता ही नहीं, ठीक।
तो पॉइंट वन पे फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन पॉइंट वन पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, अब सुनिए, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पॉइंट वन में पोटेंशियल वन की वजह से भी होगा और टू की वजह से, स्पेयर ए की वजह से भी, स्पेयर बी की वजह से भी, तो वी वन जो होगा वो वी ए प्लस वी बी होगा। अब सुनिए, पॉइंट ए कितना देगा स्पेयर, अंदर के पॉइंट को स्पेयर कितना पोटेंशियल देता है, उतना ही देता है जितना की सरफेस पे होता है, या अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज को कहां मान लेंगे, सरफेस मान लेंगे, पोटेंशियल कहां निकालेंगे, सेंटर पे निकाल लेंगे। तो पॉइंट वन पे जो स्फीयर ए है ये कितना पोटेंशियल देगा, उतना ही देगा जितना इसके खुद के सरफेस पे होगा। खुद पे सरफेस पे क्या होगा, 4πε0 कैपिटल आर वन प्लस। पॉइंट वन पे जो बी वाला स्फीयर है वो कितना पोटेंशियल देगा, जितना इसके खुद के सरफेस पे होगा, और खुद के सरफेस पे क्या अपनी वजह से पोटेंशियल होता है, क्यू टू बाई 4πε0 क्या कैपिटल आर टू। अभी देखो यहां क्यू बाई फोर कैपिटल आर, या दूसरा तरीका कि पॉइंट वन पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इसके भी अंदर इसके दोनों कहां मान लो, सेंटर पे मान लो, और जब सेंटर पे मान लोगे, ठीक है, तो जब हम लोग सेंटर पे मान लेंगे ना, और पोटेंशियल कहां निकाल लेंगे, पोटेंशियल सेंटर का निकाल लेंगे, मतलब चार्ज को सरफेस मान लेंगे, पोटेंशियल सेंटर पे निकाल लेंगे। जब चार्ज को सरफेस मान लोगे तो ये सेंटर कितना देगा, इतना ही देगा, ये सेंटर कितना देगा, इतना ही देगा, दोनों बातें की है, ध्यान समझिए। चलिए पॉइंट टू पे आते हैं, तो पॉइंट टू पे अभी एक करेंगे तो सारे बातें समझ में आ जाएगी तीनों करते करते। पॉइंट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पे होगा ए की वजह से भी प्लस बी की वजह से, क्योंकि दोनों स्फीयर है, और पॉइंट टू चूंकि वन के बाहर है तो इसको कहां मान लेंगे, सेंटर पे मान लेंगे, मतलब ए वाले स्फीयर के बाहर है तो ए वाले स्फीयर के चार्ज कहां मान लेंगे, सेंटर पे, तो कितना देगा, क्यू वन बाई 4πε0 कितना आर टू स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितना है आर टू, और प्लस ये जो पॉइंट टू है बी वाले के अंदर है, अंदर कितना देता है, जीरो देता है। आंसर क्या है, क्यू बाई 4πε0 आर टू स्क्वायर, गॉस लॉ से भी कर सकते थे, कॉसिन सरफेस घेरते तो हमें क्या मिलता, केवल क्यू वन मिलता, तो क्यू वन बाई 4πε0 आर टू आ गया। लेकिन पॉइंट टू का जो पोटेंशियल होगा वो देखिए, तो पॉइंट टू ए वाले स्फीयर के बाहर है, जब पॉइंट बाहर होता है तो पोटेंशियल के लिए चार्ज को कहां मान लेते हैं, सेंटर पर मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखो बी ए प्लस बी बी लिखेंगे, और बी ए कितना होगा, बी ए होगा ध्यान से देखिए क्यू वन बाई 4πε0 क्या मान लेंगे आर टू, क्योंकि बाहर के लिए क्या होता है चार्ज को सेंटर मान लेते हैं, लेकिन जो पॉइंट टू है बी वाले के अंदर है और जो अंदर होता है उतना देता है जितना खुद के सरफेस पे होता है, सरफेस वाला, ये देखिए फार्मूला है, तो क्या कहेंगे क्यू टू बाई 4πε0 इसके लिए कैपिटल आर टू, यहाँ देखिए स्मॉल आर टू, यहाँ कैपिटल आर टू, ये एक एक पॉइंट ध्यान समझिएगा। और जो पॉइंट थ्री है वहां पे अगर आ जाए पॉइंट थ्री पे, तो पॉइंट थ्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट थ्री जो है इस स्फीयर के बाहर, इस स्फीयर के बाहर तो चलो चार्ज कहां मान लेंगे, सेंटर पे मान लेंगे, इसका मतलब पॉइंट थ्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू बाई 4πε0 क्या स्क्वायर आर थ्री स्क्वायर, और पोटेंशियल के लिए भी पॉइंट थ्री का पोटेंशियल निकालेंगे, जो कि पॉइंट थ्री इस स्फीयर के बाहर, इस स्फीयर के बाहर, दोनों कहां मान लेंगे, सेंटर पे मान लेंगे, तो पोटेंशियल के लिए भी क्यू वन प्लस क्यू टू बाई 4πε0 क्या बताइए आर थ्री ना, सॉरी स्मॉल आर थ्री, ये हो गया, ठीक है।